हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पुनीताज किचन। आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा जो सबको बहुत अच्छा लगता है। हम स्पेशली खाने जाते हैं मार्केट में, बट यही हम पिज़्ज़ा घर में बहुत ही अच्छे से हेल्दी तरीके से घर पे बना सकते हैं। डो भी घर पे ही तैयार करेंगे और उसकी टॉपिंग्स भी घर पे ही तैयार करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी ये पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कोई कमेंट्स देना चाहते हैं कमेंट्स करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। आइए चलिए बनाते हैं पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो हैं 2 कटोरी मैदा, 1/4 कटोरी दही, 1 ग्लास गुनगुना पानी, 1 छोटा चम्मच चीनी, 1/2 चम्मच नमक, 2 चम्मच तेल, 1/4 चम्मच बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। सबसे पहले खुला बर्तन लेंगे, उसमें ये मैदा निकाल लेंगे, इसके साथ बेकिंग पाउडर डाल देंगे, बेकिंग सोडा डालेंगे, नमक डालेंगे, चीनी डाल देंगे। अब इन सब इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करेंगे हाथ से अच्छे से। अब इसमें तेल डाल देंगे, दही डालेंगे। अब इन्हें फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मैश करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी डालना है, हमने डो तैयार करना है। डो हमारा ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा गाढ़ा, बहुत टाइट भी नहीं होना चाहिए और पानी भी ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। बस अब और पानी नहीं डलेगा। हम थोड़ा सा तेल हाथ में लेके इसको चिकना करेंगे आटे को, ताकि आटा हमारे हाथों से चिपके ना। फिर से थोड़ा सा ऑयल लेंगे और अच्छे से इसे हम मलेंगे, लगभग 2-3 मिनट के लिए मलें। 1/2 ग्लास पानी लगा है इसमें, 1 ग्लास नहीं लगा है तो आप 1/2 ग्लास पानी ही यूज़ करें। फिर से इसे चिकना करेंगे थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। ये देखिए डो हमारा बन चुका है। अब इसे ऐसे ही मलते हुए थोड़ा सा तेल हाथ में फिर से लगाएंगे और इस डो के चारों तरफ लगा देंगे, ताकि डो हमारा सूखे ना, क्योंकि हमने इसे रेस्ट करने के लिए रखना है। आप एक भारी प्लेट से ढक देंगे और 4-5 घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए किसी गर्म जगह पे रख देंगे। 4-5 घंटे बाद ये देखिए डो हमारा फूल चुका है। ऐसे आप फिंगर से देखेंगे दब के ऊपर आता है। ऐसे इसको फिर से मलेंगे, थोड़ा सा ऑयल हाथ में लेंगे दोबारा से, ताकि डो चिपके ना हाथ से, और इसे फिर से हम 2 मिनट के लिए अच्छे से मलेंगे। ये देखिए इस तरह से ये अंदर करते हुए इसे आप पेड़ा बनाएं इसका, इस टाइप से। इससे जो एक्स्ट्रा एयर बबल्स होते हैं ये सब निकल जाते हैं। ये हमारा डो रेडी हो गया है। अब दोनों हाथों पे अच्छे से तेल मल लें और इसकी बॉल्स बनाएं। इस तरह से बॉल्स बना लेंगे हम। अब इन बॉल्स को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह बाकी बॉल्स भी बना लेंगे। ये देखिए ये 3 बॉल्स बन गई हैं। अब हम पिज़्ज़ा बेस बनाएंगे। थोड़ा सा सूखा मैदा लेंगे, अब एक बॉल उठाएंगे, इसे सूखे मैदे में थोड़ा सा डिप करेंगे, हल्का सा दबाएंगे और इसे बेलेंगे। जैसे हम रोटी बेलते हैं नॉर्मल, उस तरीके से बेलना है, बट ध्यान रहे ज़्यादा मोटा ना हो हमारा बेस और ना ज़्यादा पतला। इस तरह से इसे बेल लें।
मैंने गैस पे नॉनस्टिक फ्राइंग पैन गरम होने के लिए रख दिया है। एक बार नॉनस्टिक फ्राइंग पैन जब तेज़ गरम हो जाए तो आप गैस सिम कर दें। इतनी देर ये हमारा बेस भी बन रहा है। अब ये बन चुका है बेस। अब इसमें हम फोक की हेल्प से ऐसे कट्स दे देंगे ताकि ये रोटी की तरह फूले ना, इसलिए ये कट्स दिए जाते हैं। पैन हमारा ऑलरेडी गर्म हो गया था, इसमें हम ये बेस डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमारी सिम रहे, और ध्यान रहे ठंडे पैन में ना डालें, नहीं तो सॉफ्ट नहीं बनेगा हमारा पिज़्ज़ा। अब चाहे तो इसे ढक दें या ओपनली भी आप 15 सेकेंड के लिए इसे पकने दें, या फिर जब तक आप चेक करें कि ऊपर एयर बबल्स ना आ जाएंगे। देखिए ऐसे फूले ना, जैसे आपको लगे ये फूलने लगा है इसका मतलब ये नीचे से बन गया है, पक चुका है। ऐसे चेक करें, ये टर्न कर लेंगे, ये देखिए ये नीचे से पक गया था इसलिए ये ऊपर से थोड़ा उस पे बबल्स आ गए थे। अब हम इसकी टॉपिंग करेंगे। सबसे पहले पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इसकी रेसिपी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत इजी वे में मैंने उसमें बताया है। ऐसे शिमला मिर्च की टॉपिंग कर देंगे, जो टॉपिंग्स आप चाहते हैं वो आप करें। प्याज कटे हुए ये डाल देंगे। अगर आप सब्जियां थोड़ी गलाना चाहते हैं ये प्याज और शिमला मिर्च, तो आप दूसरे फ्राई पैन में 1-2 चम्मच तेल डाल के उसमें इसे सॉटे कर लें, सब्जियों को थोड़ा सा फ्राई कर लें और फिर पिज़्ज़ा बेस पे डालें। अब ये टमाटर डाल दिए। थोड़ा हेल्दी बनाने के लिए यहाँ पे मैं कटा हुआ पनीर भी यूज़ कर रही हूँ। अब लास्ट में मोजरेला चीज़, यानी कि पिज़्ज़ा चीज़, इसे कद्दूकस करके रखा था। इससे बहुत इजीली ये स्प्रेड भी हो जाता है, वेस्ट भी नहीं होता, और बहुत आसानी से पूरे पिज़्ज़ा पे ये फैल जाता है। कद्दूकस करके डालेंगे तो ज़्यादा इजी रहेगा। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप ऑरिगेनो डाल सकते हैं, ये भी मार्केट में इजीली मिलता है आजकल। और थोड़ा स्पाइसी चाहते हैं तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं थोड़े से, ये भी मार्केट में मिल जाते हैं। अब इसे ढककर हम आधे मिनट के लिए पकने देते हैं, या जब तक ऊपर का चीज़ मेल्ट नहीं हो जाता। आधे मिनट बाद देखिए चीज़ भी मेल्ट हो गया है, और नीचे से चेक करते रहें कि आपका पिज़्ज़ा जले ना। ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए नीचे से भी ये कुक हो गया है, अच्छे से जला भी नहीं है और कुक भी हो गया बहुत अच्छे से। बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा ये बना है, आप ज़रूर ट्राई करें। ये हमारा पिज़्ज़ा बनके बिल्कुल तैयार है, इसे कट करके देखते हैं। ये देखिए चीज़ कितने अच्छे से मेल्ट हुआ है, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बाज़ार की तरह पिज़्ज़ा ये हमारा बन गया है। आप ट्राई करें ये रेसिपी और अपने फीडबैक शेयर करें। ये हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल तैयार है। फॉर वॉचिंग, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़।